Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 10, that is block elements. So after completion of group first, we will do the group second. So here, that group first is called alkyl elements because that react with water and gives a hydroxide. Same here, that's called alkaline earth metals. Why we can say alkaline earth metals? Because these elements occur in oxide form. जब हम अर्थ क्रस्ट को ऑब्टेन करते हैं, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम प्योर फॉर्म में नहीं होता, जब उसको अर्थ क्रस्ट से मतलब माइंस वगैरह से निकाला जाता है, क्या टिक रहता है उसके साथ? ऑक्साइड रहता है, क्या रहता है? ऑक्साइड, क्लियर? जब इस ऑक्साइड को हम जनरली H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, ये क्या कहते हैं फिर? हाइड्रा ऑक्साइड, क्या कहते हैं? हाइड्रा ऑक्साइड, क्लियर? सो दैट्स इज अर्थ मेटल. अर्थ मेटल क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अर्थ से ऑक्टेन होते हैं और इनके वाटर के साथ रिएक्शन करा तो क्या देते हैं ये हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड मतलब नेचर इज एल्केलाइन, देयरफॉर दैट कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, क्लियर? अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सेकंड होता है इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में नॉर्मली सब फार्मूला होता है Na2O. Na2O में चलिए बात कर लेते हैं. फर्स्ट में लिखते हैं बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4. सो 1s2, 2s2. सेकंड बात करें यदि हम मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, देन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. नेक्स्ट यदि हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ कैल्शियम दैट्स एटॉमिक नंबर 20, सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. सो हाउ वी कैन से दैट ग्रुप सेकंड बिकॉज दैट एस ऑर्बिटल. एस ऑर्बिटल में देखिए सभी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ उनके आउटर में यहाँ एनर्जी हो रही है, मतलब सेल्स के नंबर 2, 3, 4, ये क्या हो रहा है? चेंज हो गया. सो एस में 2, एस में 2 एंड एस में 2, देयरफॉर दैट कॉल्ड ग्रुप सेकंड. एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, एस ब्लॉक ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स, क्लियर? चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट स्टेप इसमें लिखते हैं हम लोग सेकंड ग्रुप मेंबर्स एंड एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस. सो वी नो दिस इफ इट गोस अप टू डाउन. सो हियर दैट बेरिलियम मैग्नीशियम, ठीक है? सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इफ यू कंपेयर हियर, चलिए यहां पे लिख लेते हैं बेरिलियम एंड एमजी मैग्नीशियम. सो बेरिलियम इनर से 2, आउटर से 1 2. हियर इनर से 2, आउटर से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड आउटर मोस्ट से 1 2. सो इफ यू गोज अप टू डाउन, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं. देखिए कितने सेल्स हैं इसमें, 1 एंड 2, क्लियर? के एंड एल सी, यहाँ पे के ए एंड एल सी. सो सेल्स के नंबर इंक्रीज हुए, सो साइज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. सो एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इसमें होगा स्मॉल और इसमें होगा इसका साइज क्या है? लार्ज है. सो लार्ज साइज है, सो एटॉमिक रेडियस इज हाई कंपेयर्ड टू बेरिलियम. सो हम जितने ही ऊपर से नीचे आते जाएंगे यहाँ उतना ही एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगी. बट कंपेयर करना है हमको ग्रुप सेकेंड को किससे? ग्रुप फर्स्ट से. अब देखिए ग्रुप फर्स्ट में इस जो पीरियड है सेकेंड पीरियड उसमें यहाँ पर एटॉमिक नंबर 4, ये हमने 12, सो इसमें आते हैं लिथियम एटॉमिक नंबर 3. इसकी यदि हम साइज की बात करें तो लिथियम का साइज जो है बेरिलियम से लार्जर होता है. बिकॉज इफ यू गोज लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या हो? हाई हो. इसको हम पिछले क्लासेस में भी पढ़े थे, न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगा? हाई. सो दैट साइज इज रिड्यूस. सो लिथियम से कंपेयर इसका साइज क्या होगा? जो होगा लार्ज और ये क्या होगा? स्मॉल. सो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है? यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज हो रहा है.
अब हम इस से कंपेयर करें सोडियम एटॉमिक नंबर 11 को, यहाँ पे देखिए इनर सेल में है 2, आउटर सेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड आउटर मोस्ट सेल 1। सो मैग्नीशियम के कंपेयर में सोडियम का साइज क्या होगा? लार्जर होगा। क्लियर? साइज क्या होगा? लार्जर। तो इसमें भी क्या है, आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब अट्रैक्शन क्या होगा इस जगह पर, अट्रैक्शन कम है तो साइज लार्जर होगा, अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज क्या होगा रिड्यूस होगा। सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, सो ग्रुप फर्स्ट इज ऑलवेज हायर देन ग्रुप सेकंड। क्लियर? फर्स्ट इज ऑलवेज हायर देन ग्रुप सेकंड। चलिए नेक्स्ट हम टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी? आयनाइजेशन एंथैल्पी में पूछा गया एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस आयन। क्लियर? आइसोलेटेड यहां पे ले सकते हैं एनी स्पीशीज बोल सकते हैं। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए लगती है। यही भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, तो किसको हम प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, तो यहां जो आउटर सेल्स की इलेक्ट्रॉन्स है इसको निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी का नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं, लिथियम में और बेरिलियम। पहले मैग्नीशियम अपने सेल को ग्रुप नहीं करते, सो बेरिलियम का साइज स्मॉलर है, स्मॉलर साइज मतलब अट्रैक्शन हाई है, दे हैव टू हाई अट्रैक्शन, हाई अट्रैक्शन टू से हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई अट्रैक्शन टू से हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब इसमें लेस है इससे कम है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? कम। सो दैट है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेरिलियम में कंपेयर में मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? कम, क्योंकि साइज इतना बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम। मैं यहाँ से लिख देता हूँ इसी को, डायरेक्ट क्लियर होगा, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। साइज जितना बड़ा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगा। अब आप इन चारों में कंपेयर करें आयनाइजेशन एंथैल्पी, किसका सबसे ज्यादा हाई होगा? तो सबसे ज्यादा हाई होगा बेरिलियम का, उसके बाद साइज स्मॉल है इसका लिथियम का, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर आफ्टर दे सोडियम। तो इसका होगा सबसे ज्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक और पॉइंट यही डिस्कस कर सकते हैं, इसका साइज होगा ये होगा लार्ज होगा और ये क्या होगा दैट इज स्मॉल। तो दोनों एक साथ डिस्कस हो गया, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगा सोडियम का और आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाई होगा बेरिलियम का, इन चारों में कंपेयर करें। तो इस तरह से हम ग्रुप में देखें, ग्रुप फर्स्ट का एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस हाई होता है किससे? ग्रुप सेकंड से, बट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप सेकंड का हाई होता है ग्रुप फर्स्ट से। सो ये नेक्स्ट टॉपिक इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। एनोमलस मतलब डिफरेंट बिहेवियर। तो बेरिलियम का जो नेचर है अपने ही ग्रुप सबके ग्रुप में नॉर्मलिमेंट है, बेरिलियम के साथ है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है या बेरियम स्ट्रॉन्शियम, उनके कंपेयर किसका जो बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट होता है दैट कॉल्ड एनोमलस बिहेवियर। तो सबसे फर्स्ट आइडिया इज स्मॉलर साइज, बेरिलियम का साइज सबसे स्मॉलर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं साइज में। सेकेंड हाइएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। थर्ड इट शोस ओनली फोर कोऑर्डिनेशन, हमारे सिर्फ फोर कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में। तो जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम ज्यादा से ज्यादा सफल में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ग्रुप ले रहा हूँ NH3, NH3, NH3 और NH3। तो मैक्सिमम फोर कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं, बाकी जो अदर होते जैसे मैग्नीशियम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में देखें तो मैग्नीशियम का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बेस भी सो करेंगे, बट
बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है नॉर्मली वो क्या होता है एसिडिक नेचर शो करता है, क्लियर। उसका नेचर बेसिक नहीं होता, सॉरी बेसिक नेचर शो करता है एसिडिक नहीं होता। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक नेचर के क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर। चलिए वही हम देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था डायगोनल रिलेशनशिप मतलब एक ग्रुप का मेंबर जो है दूसरे नेक्स्ट ग्रुप के मेंबर से क्या करता है, सिमिलैरिटीज शो करता है। जैसे मैं यदि बात करूँ यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम ग्रुप सेकेंड वही ग्रुप 13 में होता है, बोरान और एल्युमिनियम। तो सेकेंड पीरियड का मेंबर थर्ड पीरियड के मेंबर और नेक्स्ट ग्रुप के साथ डायगोनल, जैसे बेरिलियम का रिलेशन किसके साथ होगा, एल्युमिनियम के साथ होगा, वैसे बोरान का रिलेशन किसके साथ होगा, सिलिकॉन के साथ होगा, क्लियर। इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप, सो बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप। सो सिमिलैरिटीज नेक्स्ट स्टेज में क्या क्या सिमिलर है, सो ये इसमें बात करें डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्युमिनियम। सो एल्युमिनियम और बेरिलियम यदि इसमें एसिड अटैक करें तो नॉर्मली जो है रैपिडली तुरंत रिएक्शन नहीं होता। रिजल्ट ये है कि इसका सरफेस होता है इसमें क्या होता है ऑक्साइड होता है, क्या होता है ऑक्साइड। यदि एसिड अटैक करते हैं तो ऑक्साइड की वजह से वो नॉर्मली जो है डिस्पेस नहीं होता। सेकेंड बेरिलियम और एल्युमिनियम की जो हाइड्रोक्साइड है ये बेरिलिएट आयन, जैसे यहाँ बेरिलियम OH2- है तो बेरिलिएट आयन है, एल्युमिनियम OH2- तो एल्युमिनेट आयन फॉर्मेशंस करते हैं, क्लियर। एक फॉर्मेशंस कंपाउंड में आता है। नेक्स्ट बात करें तो एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरिलियम क्लोराइड दोनों सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ये क्या होते हैं स्ट्रॉन्गर लेविस एसिड भी होते हैं, क्लियर। इस तरह से सिमिलैरिटीज होती है बेरिलियम में एंड एल्युमिनियम। चलिए देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, इन दिस रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द वाटर। सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नॉट इजली रिएक्ट विद वाटर, यदि बेरिलियम और ऑक्सीजन को वाटर के कॉन्टेक्ट में लाए तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि क्या होता है इन दोनों पर ऑक्साइड की फिल्म बने होती है पहले से ही, जिसकी वजह से इजली रिएक्शन नहीं होता। बाकी अगर की बात करें जैसे कैल्शियम और O2, क्लियर, ये बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड O2, लेकिन हम वाटर के साथ रिएक्शन कराए कैल्शियम का तो CaH2O, ये CaH2O तो पहले ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है, फिर कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के बाद क्या बनाता है Ca2H2 बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन दैट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इस तरह से वाटर के साथ रिएक्शन होता है वाटर और ऑक्सीजन के साथ इनके सेकेंड ग्रुप मेंबर्स। यदि हम बात करें सेकेंड बात करते हैं हम रिएक्ट विद हैलोजन, रिएक्ट विद हैलोजन्स की बात करें तो रिएक्ट विद हैलोजन किसे ग्रुप, सेकेंडली क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो इनका हम जनरली देखते हैं रिएक्शन में, जैसे आप रिएक्शन कराए कैल्शियम प्लस Cl2 ये बनेगा CaCl2, मैग्नीशियम प्लस Cl2 सो दैट गिव्स MgCl2, बेरिलियम जो है बेरिलियम ऑक्साइड के फॉर्म में होता है इसलिए पर इसका थर्मल डीकंपोजिशन होता है, थर्मल डीकंपोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन दैट क्रिएट विद Cl2, सो यहां कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन होता है बर्निंग हो रहा है कार्बन के प्रेजेंस में किसका, बेरिलियम ऑक्साइड का। तो पहले होगा BeCl2, यहां से BeCl2 क्या बचा कार्बन है ऑक्सीजन, तो ये क्या लिखते हैं बर्निंग होने के बाद कार्बन मोनो ऑक्साइड, क्या लिखते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। नेक्स्ट जो देखते हैं इसमें हम रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन्स, नेक्स्ट आएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड H2 के साथ भी यदि हम देखें तो डायरेक्ट रिएक्शन मेटल्स के नहीं होते, इनके जो क्लोरो कंपाउंड होते हैं उनके साथ इनका रिएक्शन होता है। सो इसमें रिएक्शन होते AlH4, क्लियर। सो इस कंडीशन में देखें हम तो बेरिलियम से जो हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन हम नीचे तो BeCl2 प्लस NiH4
So here that gives, यहाँ पे बनेगा एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस यहाँ से बेरिलियम और यहाँ से हाइड्रोजन और कंबाइन करके बना लेते हैं कि BeH2 तो BeH2 देखिए बेरिलियम टू है क्लोरीन 4 है 4 3 एंटर 1 4 इनटू बेरिलियम टू हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हाइड्रोजन तो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता उनके जो क्लोराइड होते हैं एल्युमिनियम हाइड्राइड एक प्रकार का रिएजेंट जो हाइड्रोजन देता है फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन रिएजेंट क्या देता है हाइड्रोजन से फिर कंबाइन होते हैं। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं इसमें हम लोग यूजेस। सो नेक्स्ट यूजेस ऑफ एल्केलाइन आर मेटल्स। एल्केलाइन मतलब इसके क्या क्या यूजेस हैं। सो बेरिलियम का जो क्लोज होता है मतलब मिक्सचर होता है किसके साथ कॉपर के साथ उसका यूज करके हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाते हैं। मैग्नीशियम और लिथियम का मिक्सचर तो हम लोग क्लास में देखा था किसमें तो यूज करते हैं एयरक्राफ्ट मटेरियल एरोप्लेन के मटेरियल बनाने में यूज करते हैं। सेकेंड मैग्नीशियम रिबन होते हैं मैग्नीशियम जो पाउडर होते हैं उनका यूज होता है फ्लैश पाउडर या बल्ब या फिर सिग्नल के रूप में यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक एंटासिड है एंटासिड मतलब एंटी एसिड जैसे स्टमक में कई बार एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एंटासिड मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। तो एंटासिड क्या करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस है एसिड को रिड्यूस करके साल्ट बनाते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट टूथ पेस्ट में करते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। कैल्शियम का यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मतलब सबको समझिए जो सिल्वर आपको अर्थ से ऑब्टेन होते हैं प्योर फॉर्म में तो होते नहीं सपोज यहाँ पे सिल्वर ऑब्टेन हो जाए इसमें किसका रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम को डाल देगा कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा क्या बचेगा यहाँ पर सिल्वर तो इसको एक्सट्रैक्शन होते हैं मतलब प्योर फार्मेशन ऑब्टेन किया जाता है। कैल्शियम और बेरिलियम का यूज वैक्यूम फार्मेशन में करते हैं वैक्यूम मतलब एयर को बाहर निकालना तो एयर पर इसलिए रिएक्शन कर लेता है एयर में मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसलिए रिएक्शन करते हैं किससे बेरियम और कैल्शियम से जिसकी वजह से उसमें से हम दोनों को रिमूव करेंगे तो एयर क्या होगा वहाँ पे वैक्यूम का फॉर्मेशन होगा। रेडियम सॉल्ट का यूज होता है रेडियोथेरेपी में जिससे किसका इलाज करते हैं कैंसर का इलाज करते हैं। इस तरह से कोडिंग का अगर यू आर न्यू सिलेबस दैट दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डील द नेक्स्ट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके थैंक यू।